देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। अलग अलग संगठन के लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की, जिनका कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस हड़ताल का असर साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश में बीते दिन भी देखने को मिला था, तो आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहकारिता और मिड डे मील वर्कर्स ने धरना दिया। इसके साथ ही शिमला और हमीरपुर के लोगों ने भी सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की हड़ताल राष्ट्रव्यापी का आज दूसरा दिन है, जिसका असर जो है शिमला में भी देखने को मिला। राजधानी शिमला में सीटू के बैनर तले विभिन्न संगठनों द्वारा उपायुक्त कार्यालय शिमला से लेकर शेरे पंजाब तक एक रैली निकाली गई और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस रैली में करीब सैकड़ों की संख्या में विभिन्न संगठनों से आए हुए लोगों द्वारा हिस्सा लिया गया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद शेरे पंजाब के पास पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में जिस तरह से भर्तियां की जा रही है, तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा आउटसोर्स की जो है कहीं ना कहीं आउटसोर्स में अगर भर्ती करनी है तो उसके लिए एक स्थायी नीति बनाए। इसके अलावा आशा वर्कर की बात है तो आशा वर्कर या मिड डे मील वर्कर जो है उनको जो है नियमित पॉलिसी उनके लिए बनाई जाए और नियमित वेतन जो है उनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के न्यूनतम वेतमान की जो है वो मांग कर रहे हैं कि 21,000 न्यूनतम वेतन जो है मजदूरों का होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की, गैस की बात करें, गैस सिलेंडर भी पूरे देश में महंगा हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल के रेट भी बढ़ रहे हैं, इसको जो है कहीं ना कहीं सरकार से वो कम करने की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अगर इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यह हड़ताल जो है एक उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगी। नीरज चोपड़ा, जनता टीवी, शिमला। और चलिए अब आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं और कर्मचारियों की क्या कुछ मांग है वो आपको सुनाते हैं। तो ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें, रामपुर की बात करें तो लगातार जो ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नाहन की बात करें तो नाहन में भी आप देख सकते हैं रैली निकाली जा रही है मांगों को लेकर। इसके साथ ही धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में भी लगातार जो कर्मचारी हैं उनके बीच भारी रोष है और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्की की बात करें तो अर्की में महिलाओं के बीच आप भारी रोष देख सकते हैं, जो उनकी मांगे हैं, मांगों के चलते लगातार नारेबाजी भी की जा रही है और दो दिन की ये हड़ताल है और इन दो दिन के चलते सारे काम जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी लगातार कर्मचारियों के अंदर रोष देखने को मिला। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमीरपुर में भी लगातार कर्मचारियों के बीच भारी रोष देखने को मिला, रैली निकाली कर्मचारियों ने। इसके साथ ही कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में भी नारेबाजी करते हुए कर्मचारी नजर आए। सोलन की बात करें तो सोलन में भी कर्मचारियों के बीच भारी रोष देखने को मिला। मेरा एक मुद्दा नहीं है, केवल बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे। सबसे पहला तो हमारा जो सरकार निजीकरण लेके आ रही है, ये केवल LIC में नहीं, तमाम और अभी संस्थान है उनके अंदर लेके जा रहा है। दूसरा, हम जो पुरानी पेंशन है, अभी आप किसी को देख लीजिए, भी कोई भी, मैं कहना नहीं चाहता मतलब, लेकिन ये कि कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई बनाती है तो उसको पेंशन अपनी पुरानी लगती है, लेकिन हम लोग जो आए हैं अभी 2004 के बाद, वो सभी NPS के थ्रू कर रहे हैं जो, लेकिन वो पैसा क्या शेयर मार्केट में लगता है हमारा खुद। अब शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता अभी, वो डाउन है कि अब कुछ नहीं पता, तो जो इतने अभी इम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं उनको कितनी 2,000-3,000 पेंशन लग रही है। नीति है इसके खिलाफ हमारी, ये आज हड़ताल है और जब से इस देश में नवोदारीकरण की नीति लागू 1991 में 21वीं हमारी हड़ताल, जिसके मुख्य रूप से है कि जो श्रम कानून बदले हैं इनको सरकार वापस दे और साथ में जो न्यूनतम वेतन है उसका कम से कम 26,000 रुपये होना चाहिए मजदूरों का, ठेका प्रथा खत्म करो, सबको सरकारी कर्मचारी घोषित करो, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी घोषित करें। उनका आज से और कल तक धरना है जिसमें हमारी मुख्यतः मांग है हमारी NPS डिमांड को मतलब ख़त्म किया जाए, OPS बहाल किया जाए सब, और कोरोना काल में जुलाई 2020 से हमारा जो DA बंद है उसको बहाल किया जाए। 1.5 साल का हमारा DA DR
बंद है उसको बहाल किया जाए। इसकी जो सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ, पहले तो श्रम कानून बदल दिए सारे, हड़ताल करने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, ये सारे अधिकार छीन लिए सरकार ने। और दूसरा है सबसे बड़ा हमला जो है, भारत सरकार हर क्षेत्र को बेच रही है। पोस्टल के कर्मचारी आए हैं, इसमें मर्जर हो रहा है, इनका डीए फ्रीज कर दिया है। एलआईसी को आपने देखा कि 20% एफडीआई कर दिया, उसको बेचने का पूरा तैयारी है। बैंकों का पूरा निजीकरण का सरकार ने खाका तैयार कर दिया है। आपका रेलवे का पूरा, पहली बार रेलवे कई सालों के बाद हड़ताल पर गया है।